हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। आज हम करेंगे मोटर लर्नर्स कौन होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीवर ने ना बेसिकली तीन टाइप ऑफ लर्नर्स दिए थे, कौन कौन से? विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड मोटर लर्नर्स। तो उसी के अंदर हम मोटर लर्नर्स की बात करने वाले हैं। मोटर लर्नर्स बेसिकली कौन होते हैं? ऐसे लर्नर्स जो कि मोटर एक्टिविटीज से सीखते हैं। मोटर एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे आपके फिजिकल मूवमेंट हो रही है या फिर आपके मसल्स की मूवमेंट हो रही है ना, तो ऐसे सब जो भी ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं जहाँ पे आपके फिजिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो सारी मोटर एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं और उन्हीं एक्टिविटीज से ये बच्चे सीख पाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने गाड़ी चलाने सीखना है, तो गाड़ी चलाने सीखना है तो उस टाइम पे ब्रेक के ऊपर आपको कितना पैर रखना है, किस प्रेशर से पैर रखना है, कितना इंटेंसिटी से रखना है, कब रखना है, कब ज़्यादा रखना है, कब कम रखना है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ऐसे लर्नर्स के लिए बेसिकली फ्रिक्वेंसी का, ड्यूरेशन का, या इंटेंसिटी या प्रेशर या कंट्रोल का, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये सब सारी जो चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करें मोटर लर्नर्स की, तो वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला किनेस्थेटिक, दूसरा मैकेनिकल। किनेस्थेटिक कौन से लर्नर्स होते हैं? किनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो बेसिकली अपनी ग्रोस मोटर मसल्स का ज़्यादा यूज़ करके, बेटर यूज़ करके सीख पाते हैं, बेटर सीख पाते हैं अगर वो ग्रोस मोटर मसल्स का यूज़ करते हैं। ग्रोस मोटर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि बड़ी मसल्स होती हैं अपनी बॉडी की, लार्ज मसल्स होती हैं। अभी जैसे आप रस्सा कूद रहे हो, है ना, तो रस्सा कूदते हुए अपने पैर भी हिल रहे हैं, पूरी लेग्स भी हिल रही है, हाथों की भी, पूरी बाजू बाजू की भी मूवमेंट हो रही है ना। उसके अलावा रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती है? उसमें आ जाती है जिसके अंदर बेसिकली ग्रोस मोटर मसल्स का यूज़ किया जाता है। और ऐसे लर्नर्स कौन होते हैं? किनेस्थेटिक होते हैं। मैकेनिकल लर्नर्स की अगर हम बात करें तो ये वो लर्नर्स होते हैं जो फाइन मोटर मसल्स का यूज़ करके, ज़्यादा यूज़ करके बेटर सीख पाते हैं। फाइन मोटर मसल्स माने छोटी मसल्स है ना, जैसे अभी आपने टाइपिंग करनी है तो किस स्पीड से करनी है, कितना कंट्रोल आपने उंगलियों पर रखना है, तो ये सारा टाइपिंग, ड्राइंग के टाइम पे कितना आपने प्रेशर डालना है पेंसिल के ऊपर या फिर जो भी मतलब ड्राइंग का पेंट वो ब्रश वगैरह रहते हैं उसके ऊपर कितना इंटेंसिटी से आपको प्रेशर डालना है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो टाइपिंग, ड्राइंग इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, इन एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी स्मॉल मसल्स का यानी कि फाइन मोटर मसल्स का यूज़ करके बेटर सीख पाते हैं, ठीक है। सो ये था आज का मोटर लर्नर्स का कॉन्सेप्ट। कैसा लगा हो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।